डिजिटल वर्ल्ड में आपका फिर से स्वागत है। चलिए हम इस वीडियो में बात करते हैं कि आप एक से ज्यादा यूजर जी सूट में एक ही बार में कैसे ऐड कर सकते हैं। यानी जैसे आप यूजर क्रिएट करते हैं तो आप जैसे सिंगल यूजर आपने क्रिएट किया, उसी तरीके से आप एक ही स्टेप में आप एक से ज्यादा यूजर्स, जैसे आप 2, 5, 10, 20 मान लीजिए कि आप ज्यादा यूजर क्रिएट करना चाहते हैं एक ही स्टेप में, तो आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। तो हम वो कैसे कर सकते हैं वो हम इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरा टेक्निकल वीडियोस आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए हम देखते हैं। ये सामने जो खुला हुआ है ये हमारा जी सूट कंसोल है, यह गूगल एडमिन कंसोल है जहाँ से हम जी सूट सर्विसेज को मैनेज करते हैं। तो आप यूजर क्रिएट करने के लिए अब यूजर सेक्शन में आइए। ये यूजर सेक्शन है, यहाँ क्लिक कीजिए। अब यहाँ देखिए प्लस का साइन बना हुआ है जहां से आप यूजर ऐड करते हैं। तो अगर आपको सिंगल यूजर ऐड करना है तो आप इस प्लस पर क्लिक कीजिए, और अगर आपको एक से ज्यादा यूजर वन गो में क्रिएट करना है तो आप नीचे देखिए यहाँ लिखा हुआ है बल्क अपलोड यूजर्स, आप इस एरो की पे क्लिक कीजिए। अब यहाँ देखिए बल्क अपलोड यूजर्स का यह पेज ओपन हो गया है। तो हमें फ्रेश नया यूजर क्रिएट करना है। अगर आपको यूजर को अपडेट करना है तो आप ये वाला डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड यूजर्स इन्फो इन CSV फाइल। तो हमें फ्रेश नया यूजर क्रिएट करना है तो हमें यह ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा, डाउनलोड ब्लैंक CSV टेम्पलेट्स, इस पर आप क्लिक कीजिए। देखिए डाउनलोड हो रहा है। यह CSV फाइल डाउनलोड होता है। अब देखिए फाइल डाउनलोड हो गया है। अब इसमें बहुत सारे फील्ड दिए हुए हैं, जैसे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, ओके, पासवर्ड, हैश फंक्शन, ऑर्गेनाइजेशन यूनिट, इसे बहुत सारे चीजें हैं, ठीक है। इसमें से आपको मिनिमम यूजर क्रिएट करना है। इसमें जो आपको मिनिमम रिक्वायर्ड फील्ड है वो है आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, यहाँ रिक्वायर्ड लिखा हुआ है, ये आपका मैंडेटरी सीट ब्लॉक है, इसमें आपको फिल करना ही करना है, ठीक है। ये यहाँ आप ऐसे आते जाएंगे, यहाँ पे बहुत सारे हैं। अगर आपको नेक्स्ट लॉगिन में आपको पासवर्ड चेंज कराना है, जैसे आपको जो आपको डिफाइंड पासवर्ड है, अगर उस पासवर्ड को आपको चेंज कराना है नेक्स्ट लॉगिन में तो आपको इस फील्ड भी फिल करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल हम नॉर्मल यूजर क्रिएट करते हैं। तो आपको यहाँ फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड रिक्वायर्ड, ये चीज़ें आपको फिल करना है। एक है ऑर्गेनाइजेशन यूनिट, ये भी रिक्वायर्ड है, ये पांच चीज़ें आपको फिल करना है। तो चलिए हम फिल कर लेते हैं। तो ये देखिए हमने पांच यूजर का फील्ड फिल कर लिया है, राम, मोहन, सोहन, के और एस, ये हमने पांच यूजर बना लिया है। ये फर्स्ट नेम है, ये लास्ट नेम है, ये ईमेल आईडी है, और ये हमने पासवर्ड रख दिया है, और यह ऑर्गेनाइजेशन यूनिट है। ऑर्गेनाइजेशन यूनिट का एक्चुअली पाथ देना पड़ता है, तो ये हमने फॉरवर्ड स्लैश लगाया है, इसका मतलब होता है रूट, जो आपका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन यूनिट है वो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ले जा रहा है। अगर कोई दूसरा ऑर्गेनाइजेशन यूनिट होगा तो आपको उस ऑर्गेनाइजेशन यूनिट का आगे नाम देना पड़ेगा। यह मिनिमम रिक्वायर्ड फील्ड था जो हमने फिल कर लिया है। अब इसे सेव करना है, इसे आप सेव कीजिए, यस कीजिए।
करने के लिए कह रहा है। चलिए हम इसको डेस्कटॉप पर ही सेव कर लेते हैं। यूजर्स जो है इसको हम बल्क यूजर्स कर देते हैं और सेव कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए वो सेव हो गया है। अब उसी फाइल को हमें यहाँ अटैच करना है, चलिए अटैच कर लेते हैं। ये था, हमने सेलेक्ट किया और ओके किया। अब यहाँ अपलोड पे क्लिक कर दीजिए। ये CSV फाइल अपलोड हो रहा है, इन प्रोग्रेस दिखा रहा है। देखिए बल्क अपलोड यूजर इन्फो कंप्लीट, तो यह सक्सेसफुली अपलोड हो गया है। चलिए हम इसको रिफ्रेश करके देखते हैं पेज, यूजर आया नहीं आया। ये देखिए पहले हमारे पास एक यूजर था, अब 1, 2, 3, 4, 5 ये 5 यूजर्स ऐड हो चुके हैं। अगर आप इसमें से किसी भी यूजर से आप लॉगिन करेंगे तो आप लॉगिन कर पाएंगे। तो देखिए इस तरह से हमने देखा कि बल्क यूजर कैसे क्रिएट करते हैं। अभी तो हमने सिर्फ 5 यूजर्स को ही ऐड किया है, आप चाहे तो 10, 20, 25 जितना आपके पास लाइसेंस कैपेसिटी है उतना आप यूजर ऐड कर सकते हैं। अगर आप इसमें से किसी यूजर को लॉगिन करके चेक करना चाहते हैं, चलिए मेरे सोहन कुमार है, इसी को हम लॉगिन करके देख लेते हैं। देखिए हमने ये जीमेल ओपन कर लिया हुआ है और यहाँ हमने sohan@sistydigital.world हमने ये यूजर डाल दिया है और जो यूजर का हमने पासवर्ड डिफाइन किया था वो हमने यहाँ एंटर कर दिया है और नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ एक्सेप्ट करने के लिए कह रहा है, एक्सेप्ट कीजिए। तो ये लॉगिन हो गया है, अब इसको नेक्स्ट कीजिए। ये वेलकम स्क्रीन है। अब देखिए सोहन जो हमने नया यूजर क्रिएट किया था उससे यह लॉगिन हो गया है। यह यूजर का वेलकम ईमेल है जो जीमेल टीम की तरफ से आता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि हम जी सूट कंसोल में बल्क यूजर कैसे क्रिएट करते हैं। अगर आपको एक से ज्यादा यूजर क्रिएट करना हो तो आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई बिजनेस डोमेन है, जी सूट यूजर हैं, तो आप बड़े आसानी से इस तरीके से एक से ज़्यादा यूजर आप क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आपके लिए और नए नए वीडियो बनाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।